फ़ोन उठा ले भाई, फ़ोन उठा ले। हेलो हाँ ऋषभ, कहाँ पे है भाई, क्या कर रहा है? दोपहर के 1 बज गए हैं, अभी तक सो रहा है तू? हाँ 1 बज गए और सब छोड़, मैं अभी कॉलेज गया था, वो सर्वेश्वर दोबारा पका रहा था, बोरिंग लेक्चर चल रहे थे, मैं आ गया हूँ सीपी, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो तू भी फटाफट आ जाए यहाँ मेरे साथ। हाँ अभी और कभी, फटाफट 5 मिनट में मेरे को सीपी मिले, ठीक है ना? जल्दी आइए, सो मत, उठ फटाफट, मूड होके फटाफट आ जा। ओके ओके जल्दी आ, वेट करो, बाय। अरे देखो आ गया, इस बार तो महाराज ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, 1 घंटा लेट। हाँ तो क्या भाई, कैसे? बहुत जल्दी आ गए भाई, क्या क्या इस बार तो यार, बहुत अर्ली मॉर्निंग बर्ड हैं तू, बड़ा जल्दी आते हैं। सही बात है, बता आप क्यों बुलाए भाई सुबह सुबह? मैंने बुलाया इसलिए बिकॉज मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज, इसलिए मैं लेक्चर वेक्चर सब छोड़ के आ गया भूख के मारे। तो मुझे क्यों बुलाया तूने? क्योंकि मुझे भूख लग रही है और तेरे को पता है मैं अकेला नहीं खाया जाता है, मुझे कोई साथी चाहिए। तो ये बात है भाई साहब, अकेले नहीं खाना चाहते हैं। सही बात है, अकेले में थोड़ा जेब थोड़ी हल्की हो जाती है। बताओ कहाँ खर्चा कराना है आज? तो आज खर्चा कराने के साथ साथ लोगों को भी जरा बता दे। हाँ बिल्कुल, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 3rd वीडियो ऑफ स्ट्रीट फूड वर्सेस रेस्टोरेंट, और आज के वीडियो के लिए हम आपको खिलाने वाले हैं इंडियन स्नैक्स। अगर आपने पिछली हमारी 2 वीडियोस नहीं देखी ना, तो कि मोमोज और चाइनीज प्लेटर की थी, तो अभी जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और 3rd वीडियो के लिए हम आ पहुँचे हैं सीपी। सीपी में मैं इसे टेस्ट कराने वाला हूँ, राज कचौड़ी, स्पेशल राज कचौड़ी एक स्ट्रीट फूड की तरह। और तू भी मुझे, मेरे को पता है तू भुक्कड़ तो है, तो तेरे को भी कोई दुकान पता होगी रेस्टोरेंट जहाँ पे अच्छी राज कचौड़ी मिलती है। सोच तो लिया मैंने जगह, बस फिर देखते हैं तेरी राज कचौड़ी में कितना दम है। तो चलो इसी बात पे करते हैं हमारी वीडियो स्टार्ट, और लेकर चलते हैं आपको स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में। तो बने रहिए वीडियो में, आ जाओ चल, चल देखते हैं भाई। ये क्या हो गया भाई, आते आते शर्ट फट गई है लगता है इसकी। अरे भाई इसे कोई फैशन की सेंस तो है नहीं, ये कोई फैशन वैशन नहीं है, चल बे चल, शर्ट फट गई इधर। हाँ तो पहुँच गए हैं फाइनली हम अपनी लोकेशन पर स्ट्रीट फूड टेस्ट करने के लिए। इस दुकान का नाम है भीम सेन बंगाली स्वीट्स, और यहाँ की राज कचौड़ी बहुत फेमस है, तो इसको टेस्ट कराने वाला हूँ मैं आज यहाँ पर, स्ट्रीट फूड की राज कचौड़ी। तो भैया 2 राज कचौड़ी लगा दो आज, ज़रा इसको भी बता दूँ कि कितना दम होता है हमारे स्ट्रीट फूड में। हाँ देखते हैं देखते हैं। फाइनली भीम सेन बंगाली स्वीट हाउस की राज कचौड़ी तैयार है। तो स्ट्रीट फूड कैसा लग रहा है तेरा राज कचौड़ी? भाई भूख लग रही है अब तो खाने दे यार मेरे को, इसको लग चुकी है भूख। लेकिन फाइनली अगर आपको हमारा कंपैरिजन देखना है, उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक रुकना पड़ेगा, देखना कि दोनों स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट में से कौन सा ज़्यादा टेस्टी होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, करें करो करो भाई, चल भाई ले ले बाइट ले, रास्ते को पता लग ही जाए। हाँ 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 मज़ा आ गया, ओहो क्या बात है, गर्मियों में ठंडी ठंडी दही, उसमें ठंडी ठंडी राज कचौड़ी, एक नंबर है ना। और खास बात बताऊँ इसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, सिर्फ और सिर्फ 75 रुपये में, तो तुम बाहर खाते हो ना 200-300 रुपये की, इसमें बहुत अच्छी है। हाँ हाँ 75 रुपये में तुझे पहले तो एक मस्त पापड़ी मिली है, उसके अंदर तेरे भल्ले डले हुए, उसके अंदर चने छोले नमकीन दही, क्या बात है, लाल चटनी हरी चटनी, आ गया ना मजा सुनते ही, बस मुझे तो खा के ज्यादा मजा आ रहा है। मेरी बात तो वैसे बेकार होती है। अच्छा अब तो इसे बेकार लगेगी ये बातें, चीज जो इतनी अच्छी खिला दी है मैंने इसको। चल चल अब खाने दे मेरे को, खा खा
एक बार देखोगे ना अंदर से इतनी भरी हुई है कि आप दो जने भी आओगे ना खाने तो आराम से पेट भर जाएगा, है ना, बिल्कुल मसालेदार एकदम मज़ेदार। तो चल इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे लेके चलते हैं तेरी जगह पर। सोच लिया जगह? मेरे माइंड तो मैं तो पहले ही सही है। तो चलो इसकी जगह तैयार है, तो लेके चलते हैं इसकी जगह पर और फाइनली टेस्ट करते हैं रेस्टोरेंट की राज कचौड़ी। तो फाइनली टेस्ट करते हैं रेस्टोरेंट की राज कचौड़ी। चल ले आए भाई। तो जहाँ मैं आज इसे लेके आया हूँ उस जगह का नाम है हल्दीराम्स। कहते हैं कि यहाँ की राज कचौड़ी नहीं खाई तो आपने राज कचौड़ी खाई नहीं है। अच्छा। यहाँ की राज कचौड़ी है वर्ल्ड फेमस। अच्छा, तो चले टेस्ट करें फिर। चलो टेस्ट कर लेते हैं। आ जाइए आप लोग भी। तो गाइस जब हम आ गए हैं हल्दीराम्स में तो बहुत शोर है यहाँ पे, तो हमारी राज कचौड़ी आ चुकी है। आयुष करें शुरू फिर, अच्छी जगह का तू भी तो खाए यार। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा बता अपनी राज कचौड़ी के बारे में, मैं भी जानूं जरा इतना क्या खास करता है भाई। सबसे पहले तो जो ये कचौड़ी होती है इसके अंदर आलू होता है, भल्ले होते हैं। सबसे स्पेशल बात जो मुझे लगती है वो है इनकी दही। इनकी दही में जो रिफ्रेशिंगनेस होती है ना, मज़ा ही आ जाता है खा के। मज़ा आ जाएगा। हाँ डेफिनेटली। ऊपर से जो टॉपिंग करते हैं चटनियों की, ग्रीन चटनी, रेड चटनी और क्रिस्पी वाली भुजिया और अनार, पता नहीं मतलब मुझे तो खा के पर्सनली बहुत पसंद है। मान गए बाबू, सुपर टेस्ट, नो डाउट, मेरी तो फेवरेट है यार। आप लोगों में से बहुत लोगों ने खाई भी होगी, जिस जिसने खाई है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है किसी और जगह की राज कचौड़ी यहाँ से भी अच्छी है, हमें तो पता चले यार, बताना, बताओ कमेंट सेक्शन में। और एक और बात कि इनकी दही के लिए जो ये बोल रहा था, एक्चुअली बात की बात है कि दही बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही टेस्टफुल है, एकदम पतली पतली सी और मीठी। यही इनकी सीक्रेट रेसिपी है, दही जो यूज़ करते हैं मीठी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरा बंक मारना तो हो गया वसूल, क्योंकि आज जो हमने हल्दीराम और बंगाली स्वीट्स की राज कचौड़ी खाई ना, वो दोनों ही बहुत टेस्टी थी, एकदम मज़ा आ गया था। अब बात करते हैं हमारे पैरामीटर्स की, तो क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस और टेस्ट, इन चार चीज़ों पर हम जज करेंगे कि दोनों में से किस में ज़्यादा मज़ा आया। चल तू स्टार्ट कर, तू मेरे स्ट्रीट फूड का दे, मैं तेरे रेस्टोरेंट का दे रहा हूँ, तो पहले तू बता। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं आज हम गए थे बंगाली स्वीट हाउस जो कि है बंगाली मार्केट में, तो वहाँ पे भाई ने हमें खिलाई राज कचौड़ी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांटिटी से, तो क्वांटिटी तो मैं कहूँगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो जितनी हर जगह होती है वैसी क्वांटिटी थी। बिल्कुल। क्वांटिटी में मार्क्स दूंगा मैं 4 out of 5, क्योंकि इट वाज अ डिसेंट क्वांटिटी। हाँ। सेकंड बात करते हैं क्वालिटी की, तो इट वाज काइंड ऑफ अ स्ट्रीट फूड, तो आई वुड से कि रेस्टोरेंट कंपैरिजन में, हल्दीराम कंपैरिजन में तो उतनी उस लेवल की क्वालिटी तो नहीं थी। आई वुड गिव 3.5। ठीक है। बात करते हैं अब प्राइस की, का फेवरेट सेगमेंट एकदम। तो प्राइस में देखा जाए तो उसका प्राइस था 75 rupees, अगर आपका बजट है 100 rupees तो आई वुड से कि एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है, मतलब ज़्यादा नहीं है, भाई जैसे लोग, हम जैसे लोग सब खा ही सकते हैं। मेरी तरह पर्स घर पे भूल के आता तो बेस्ट है, रहने दे। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट भी मैं कहूँगा यार अच्छा था, मुझे मज़ा आया पर्सनली। ठीक है, पेट भर गया। और मतलब जो गार्निश करा हुआ था उन्होंने और जो दही थी वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो अब भाई से पूछते हैं कैसा लगा इन्हें हल्दीराम का। चलो मैं बताता हूँ अब इसका। तो हल्दीराम की राज कचौड़ी मैंने खाई थी, इसके कहने पर रेस्टोरेंट के लिए इसने सेलेक्ट करी थी, राज कचौड़ी वॉज सुपर्ब, क्वांटिटी भर के है, आप लोग अच्छे से खा सकते हो, साथ में दही चटनियाँ बहुत टेस्टी है। क्वांटिटी के बेसिस पर मैं मार्क्स दूंगा इसको अराउंड 4 out of 5। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वालिटी, तो रेस्टोरेंट के अंदर हल्दीराम के अंदर बैठ के खा रहे हो, हल्दीराम तो मशहूर है ही ऑब्वियसली, सब जानते ही होंगे, सबने खाया भी होगा कभी ना कभी, तो हल्दीराम की तो
बात ही कुछ और है, तो क्वालिटी काफी है, ठीक है, नाम ही काफी है। तो 4.5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्राइस, 125 रुपीज, रीजनेबल प्राइस है, ज्यादा हाई फाई नहीं है, स्टैंडर्ड मेंटेन है, हर चीज वैल्यू फॉर मनी, प्राइस के बेसिस पर 4 आउट ऑफ 5। और लास्ट हमारा आ जाता है टेस्ट, तो टेस्ट वॉज फैंटास्टिक, दही बहुत सुपर थी, बहुत ही प्यारी स्मूथ टेक्सचर, एकदम पतली पतली मीठी दही, तो मजा आ गया, रेस्टोरेंट टोटली वर्थ इट। तो प्राइस के बेसिस पर 4 आउट ऑफ 5, एक मार्क्स में सबके, इसीलिए काट रहा हूँ बिकॉज हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए थोड़ा स्कोप तो छोड़ना चाहिए ना, ये तो है यार। सही बात है। तो फाइनली अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग आर थर्ड एपिसोड ऑफ स्ट्रीट फूड वर्सेज रेस्टोरेंट। मैं आयुष, मैं ऋषभ, हमारे पेजेस को स्पेशली एक मेंशन है कि हमारे पेजेस को जरूर लाइक करना, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में आप जरा टैग करके अपने दोस्तों को भी बुला लेना यार, और फाइनली डिसाइड करवा देना कि किसकी राज कचौड़ी ज़्यादा बेटर थी। वीडियो को शेयर करना, और हाँ, जिस जिसने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो अभी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आप लोग बहुत फन मिस कर रहे हो, डेली की स्टोरीज देखोगे आपका मन ललचा जाएगा, हमारा सारा जाओ फॉलो करो, बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेगा, हम कैसे शूट करते हैं, कैसे जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं यार, और आपको पर्सनली हमसे इंटरेक्ट करना है, हमें सजेशंस देने हैं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं कि आप किसी पर्टिकुलर, आपके घर के पास कोई ऐसी जगह है जो हम कवर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग आपके सजेशंस लेना चाहेंगे। तो टिल देन, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास हमारे लिए कोई आइडिया है स्ट्रीट फूड वर्सेस रेस्टोरेंट करवाने का तो बता देना कमेंट बॉक्स में, पढ़ रहा हूँ मैं सारे कमेंट, पढ़ रहा हूँ, हम दोनों पढ़ रहे हैं सारे कमेंट। अभी की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। मैंने बोला ना मैं जीता हूँ आज की वीडियो, तो मैं भाई, भाई मैं जीत चुका हूँ, भूल जा, मैं जीत चुका हूँ, अबे मैं जीता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं जीता हूँ, मैं जीतूंगा, कमाल, चल इन्हीं से पूछ लें, आप ही लोग बता दो फिर कमेंट सेक्शन में कौन जीता है, बता दो फिर स्ट्रीट फूड जीता है, रेस्टोरेंट जीता है, बता दो फटाफट, बता दो यार।